देखिए चलोगी साथ में, साथ में चलोगी हम लोग के? भाई देखिए इनका कितने मजे है, एक तो छोड़ के जा रहा है ऊपर से जूता तेल कंघी। गाइस यार अभी का सीन ऐसा कुछ हो गया है कि दीपू भैया का बाइक जो है पंचर हो गया है, एकदम खराब हो चुकी है हालत बहुत यार, दिमाग खराब हो चुका है। अभी तक हम लोग घर पहुंच गए होते। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी अभी जो है शाम के 6 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं दीपू भैया के घर, जो कि आप दीपू ब्लॉग्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम उनके फिर से दोबारा घर जा रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो यार, बैग वगैरह सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है, पर्स और पूरा कपड़ा इसके अंदर रख लिए हैं। बाकी अभी बाहर जाएंगे थोड़ा सा ऑफिस में, तो वहाँ लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, तो लैपटॉप भी सब सामान रखना है। आप मान के चलो कि मेरा बैग टोटल रेडी हो चुका है। अभी देखो नीचे जूता वगैरह नहीं पहना हूँ, बाल भी नहीं कंघी लगाया हूँ बाल में, तो जूता पहनाएगी बाल, ये इसका काम है। ठीक है, मेरा बस काम है कपड़ा पहन लेना, बस काम खत्म। और बाकी यार इसको देखो, इसको अभी 2-4 दिन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइस हम 3-4 दिन तक ब्लॉग में देखेंगे नहीं, वैसे ये हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें, जब आते हैं छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो गाइस आप समझ सकते हो यार यूट्यूब की जिंदगी क्या होती है, एक ब्लॉगर की जिंदगी क्या होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ब्लॉगिंग भी करनी है और फ्रेंडशिप भी निभानी है। तो दीपू भैया जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और राम मिलन भैया भी हैं, वो भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो लोग अपने घर जा रहे हैं, 2-4 दिन से हमारे घर थे, तो अभी वो चले जाएंगे तो यार हमारा दिल नहीं लगेगा, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत हमारा भी मन लगा रहे। बाकी यार 2-4 दिन बाद आएंगे तो फिर इसके साथ वैसे ब्लॉगिंग होती रहेगी, लेकिन बहुत कुछ आपको वहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगा, आप बोरिंग नहीं महसूस करिएगा इसके बिना। हाँ ठीक है भाई, आप अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाइएगा और जो आपके ऑडियंस है उन लोग को अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। कम से कम 3-4 दिन तक मैं ब्लॉग में रहूँगी नहीं, तो आप ही को ब्लॉग संभालना है। अच्छा ब्लॉग बनाइएगा। चलो गाइस ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस ये हमारा जूता है और जल्दी से पहना दो यार, क्योंकि भैया सबको इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जूता ही पहना के ब्लॉग बनाते हैं यार, क्या करे भैया, नेचुरल हमारी, हमको वो चीज़ जो नेचुरल है वही चीज़ दिखानी है, हमको एक्टिंग कोई थोड़ी करना है यूट्यूब पे, जो हमारे साथ होता है वही सब, वही हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जो भी हमारे सपोर्टर हैं, सबको मालूम तो पड़ना चाहिए ना। वो हम लोग आप इस ब्लॉग में हम लोग शेयर करते हैं और शेयर करते रहेंगे आगे भी। तो चले गए, जूता पहना चुके अभी और बाल में अभी तेल वगैरह लगाना बाकी है, बस हो गया। तो गाइस देखिए इनके कितने मजे है, एक तो छोड़ के जा रहा है ऊपर से जूता तेल कंघी बैग वगैरह सब संभालना है। भाई इसे झाड़ है कि नहीं, अब हमको तो आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे तो झाड़ देते हैं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, हाँ ये देखो कितना अच्छा अच्छा लाइट बबिया के चेहरे पे हमारे लग रहा है, ये देखो पैर से कैसे खेल रही है, ऐसे ही खेलती हो बस। हाँ ये देखो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही हो, चावल, अरे चावल बाल्टी में रख रही है। हाँ खाली करता हूँ बोरा। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है यार कि शाम हो चुका है और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं निकलने के लिए। देखिए भैया भी रेडी हैं और उनका वो बैग है, बैग एकदम पूरा रेडी है गाइस, बस निकलना है। और भैया के भैया पहले यार फोन कर दिए अपने घर पे कि हम लोग आ रहे हैं, तो खाना वाना बनाइए, और इनके घर भैया खाना वाना सब कुछ रेडी हो गया है। तो चल रहे हैं मम्मी, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं जाने से पहले। खुश रहो बेटा, खुश रहो, अच्छे से जाना, खूब बढ़िया से जाना, तो फिर उसके बाद फोन करना कि हम अच्छे अच्छे पहुँच गए हैं। ठीक है गाइस अभी जस्ट निकल रहे हैं। कितने दिन में आएंगे भैया? 4-5 दिन लगेगा। 4-5 दिन मेरे बर्थडे से पहले आ जाएगा गाइस, इसका 20 तारीख को बर्थडे है, तो 20 तारीख को आएंगे हम, 20 तारीख को सुबह तक आ जाएंगे। हो सकता है राम मिलन भैया है चाहे दीपू भैया, मतलब देखेंगे अगर जैसा सिचुएशन होगा, लेकिन हम आएंगे 20 तारीख तक आ जाएंगे। चुम्मा गाइस जाते जाते भाभी को हमें गिफ्ट देना चाहते हैं, लीजिएगा। देखिए गाइस ये यादगार है, ठीक है, दे दे रहे हैं भाभी नींबू, खट्टा सामान दे के जा रहा है, खट्टा सामान। ठीक है आप अच्छे से जाइएगा और अच्छे से अच्छे ब्लॉगिंग कीजिएगा, क्योंकि हम रहेंगे नहीं, अच्छे से ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे। ब्लॉगिंग जबरदस्त करेंगे, रहोगे नहीं रहोगे कोई वीडियो रोज देखना, बताइए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बताइए अकेले ब्लॉगिंग कर देता हूं अच्छा। चलो गाइस कमेंट करके बताना, बताना ठीक है, आप लोग अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाइएगा। अभी तो जा रहे 3-4 दिन के लिए गाइस, आज ही हम बाय बाय बोल दे रहे हैं, फिर आएंगे तो ब्लॉगिंग करेंगे। बाय बाय गाइस, बाय बोल सब, बाय। चलोगे साथ में?
साथ में चलोगी हम लोग के? जाओ बेटा चलना है साथ में, ये देखो अपने माँ को पकड़ लिया है, नहीं देख रही है, चलना है साथ में। हाँ बना रहेगा, हाँ प्यार दुलार जरूर देना आप लोग से ही प्रार्थना। माता जी भी बोल दिए बादल, बादल इसको बोल रहे हैं, इसको बादल बोल रहे हैं, मनी को, मनी को भी छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, सब फैमिली को बहुत याद आएगा गाइस। चलो गाइस निकल रहे हैं, बाय। इधर मेरा मोटा भाई भी चल रहा है। तो भाई साहब ये देखिए दीप भैया गाड़ी यहाँ सामने खड़ा है और हमारी जो बाइक है भैया वो इधर खड़ी है, ये देखो यहाँ पे भैया। हाँ भैया ऑलमोस्ट सब कंप्लीट, सब सब कंप्लीट हो गया ना, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। गाइस यार अभी का सीन ऐसा कुछ हो गया है कि दीपू भैया का बाइक जो है पेंचर हो गया है, एकदम खराब हो चुकी है हालत, बहुत यार दिमाग खराब हो चुका है। अभी तक हम लोग घर पहुंच गए होते लेकिन यहाँ से अभी भी हम लोग को लगभग कितना किलोमीटर जाना है भैया? 30-35-40 किलोमीटर जाना है लेकिन अभी तक घर पहुँच गए होते भाई। एक मार्केट में रुके हुए हैं, लगभग 3-4 चक्कर ऑलरेडी मार चुके हैं। तो यार दुकान खोजते खोजते मतलब एक भैया मिले हैं जो कि बोले हैं कि भैया हम आ रहे हैं, और चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला भैया का गाड़ी है, और देखो यार ये बाइक पूरी तरीके से यहाँ पर देखो ये पंचर हो चुकी है। देखो गाइस वो वाला दुकान है और खुल चुका बढ़िया। तो भाई साहब देखिए भैया जो है चक्का खोल चुके हैं और ऑलरेडी पंचर आप जो है, तो महाराज क्या कर रहे हैं बना रहे। तो गाइस फाइनली जो है भैया का जो है पंचर बन गया, थैंक यू भैया पंचर बनाने के लिए। भैया अभी जो है गाड़ी निकाल रहे हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं हम एक ढाले के ऊपर, कौन सा ढाला है भैया ये? कौन सा ढाला है? ढाला का नाम पता नहीं, ढाला का वैसे भाई नाम नहीं पता है। और बाकी देखो यार गाइस वो जो है ट्रेन आ रही है, तो थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट कोशिश कर रहे हैं लेने को भाई साहब। भाई साहब अभी का सीन कुछ ऐसा है यार कि आ गए हैं दीपू भैया घर पे, पीछे देख सकते हो भैया का हमारे घर है। और देखिए और भाई साहब हम लोग अपने अपने घर पे आ चुके हैं, भैया का भी घर है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी गाइस अभी का क्या है, पोपट हो चुकी हमारी गाड़ी पंचर, भैया की गाड़ी पंचर। अभी रात के गाइस आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक कुछ नहीं 11:15 हो चुका है। भाई साहब घर से निकले तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, उसको बनवाए थे और बनवा के निकले हैं। तो फिर से रास्ते में आपको दिखाया गया कि भैया गाड़ी भी पंचर हो गया था, और भैया का घर अभी 1-2 किलोमीटर बाकी था। फिर गई हमारा गाड़ी वहाँ पे सामने से दिख रहा है वो पंचर हो गया था, तो पैदल लेके गाड़ी आके वहाँ पे लगा दिए हैं। और बाकी प्लानिंग यार कुछ ऐसा है कि राममिलन भैया घर पे जाना है। राममिलन भाई मेरा टोपी का ख्याल रखा है, 2-3 बार गिरा दिया था, सही टोपी का ख्याल रखा, अभी भी ख्याल रख रहे हैं भाई साहब। प्लानिंग है कि राममिलन भैया घर जाना है, क्योंकि इनके घर खाना वगैरह सब कुछ कम्प्लीट बन गया है, और जाएंगे और खाएंगे और इन्हीं घर सोएंगे, हो सकता है सुबह फिर यहाँ पे आया जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी का यार सीन ऐसा है कि हम रात में दीपू भैया घर गए थे, और वहाँ से आने के बाद से जो है आ गए हैं राममिलन भैया घर, जो कि देख सकते हो यार वही स्टूडियो वही सारा सब कुछ, और भैया उधर कपड़ा यार सहार रहे हैं। और बाकी यार देखोगे तो बारिश में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है यार कि कटरेन थोड़ा सा कहीं कहीं टूटा हुआ है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो हल्का हल्का पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। बाहर देखो यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और रात से ही बारिश हो रही है, सोने में तो वैसे कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन बाकी यार समझ सकते हो बारिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है हर चीज़। और बाकी देखिए भैया यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो गाइज अभी सुबह का यार वक्त है, और कितना बज रहा होगा भैया? लगभग यार 2 बज गया है, और अभी तक खाना पीना कुछ नहीं, 2 बज गया यार, अभी तक खाना वाना हम नहीं खाए हैं क्योंकि बारिश हो रहा था सामने, तो हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा है कि यार टाइमिंग का क्या पता चला। अभी जो है मैं भी एक वीडियो एडिटिंग किया हूं, और वीडियो एडिटिंग करके पब्लिश किया वीडियो जो कि 12 बजे करीब था, और आज का ये ब्लॉग जो है एंड करेंगे। और रात को भी आप लोगों ने देखा होगा कि यार बहुत बड़ा पोपट हो गया था हम लोग के साथ, भैया का गाड़ी पंचर, सबसे पहले हमारा गाड़ी पंचर हुआ था, उसके बाद से रास्ते में भैया गाड़ी पंचर हो गया था, और फिर भैया के घर पहुंचते पहुंचते फिर यार दोबारा मेरा गाड़ी पंचर हो गया था। और अभी मेरा वाला गाड़ी जो है भैया के घर पे है, और भैया की गाड़ी से हम राम मिलन भैया के घर हैं। बाकी देख सकते हो यार सुबह सुबह ये नाश्ता वगैरह सब कुछ आ गया है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ब्लॉग अच्छा लगा ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल प्यार नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।